Hello friends, welcome back to Him Classes. I am Deepak Chauhan. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. So let us start today with the remaining part of state rivers. Okay. So last video में हमने discuss किया था ब्यास river के बारे में. आज हम discuss करेंगे चिनाब river के बारे में. So चिनाब river जो है ये लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा करके दो छोटी छोटी streams हैं जो कि तांडी करके एक जगह है वहां पे मिलती हैं. उसके बाद ये चिनाब के रूप में जानी जाती है. इसके दूसरे नाम हैं चंद्रभागा के नाम से भी ये जानी जाती है और ये अस्किनी के नाम से भी जानी जाती है जो मैंने आपको रिवर्स के जो वैदिक और संस्कृत नेम से उनमें डिस्कस किया था राइट. इसकी टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर बट ओनली 122 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में बहती है. उसके बाद ये चंबा में एंटर करती है. भुजिंड करके जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. चंबा में इस प्लेस में ही एंटर कर रही है और फिर चंबा को ये संसारी नाला करके एक जगह है. संसारी नाला यहाँ पे ये चंबा को छोड़ के बॉर्डर वैली ऑफ कश्मीर में एंटर कर जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर आगे जाके ये इंडस वैली इंडस रिवर का जो है पार्ट बन जाती है बाकी नदियों के साथ. ओके सो हिमाचल प्रदेश में ये सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ इस इलाके में जहाँ से ये होके निकलती है वहाँ बारिश कम होती है लेकिन वहाँ पे बर्फ के पिघलने से इसमें जो है वाटर कैचमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होती है. तो ये आपको याद रखना है. अभी इसकी जो सहायक नदी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. चंद्रा जो कि अपर हिमालयन रेंजेस जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है वहां से निकलती है और पीर पंजाल का जो शेडो रेन शेडो एरिया उस इलाके से बहते हुए ये इसका मतलब तांडी करके एक जगह है वहां पे भागा के साथ मिलके आपको चिनाब का रूप लेती है. ये अभी भागा है ये भी लाहौल वैली में ही निकलती है और तांडी में जैसे आपको बताया भागा और चंद्रा दोनों मिलके चिनाब को बनाती है. एक और छोटी सी स्ट्रीम है जो कि इसका सहायक नदी है इसकी मियार और साइचर नाला ये लाहौल वैली में ही निकलते हैं और वहीं पे ये चिनाब के साथ मिल जाते हैं चंबा के पांगी रीजन में. ये आपको इसका पिक्चर दिखाया हुआ पहाड़ियों के बीच में जाती हुई आपकी चिनाब नदी और ये चिनाब का कैचमेंट एरिया है. आप देखो ये चिनाब यहाँ लाहौल स्पीति के इस पोर्शन से होते हुए ऐसे किलोंग वगैरह से उदयपुर से होते हुए ये जो है आपका भुजिंड जगह है जहाँ पे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को एंटर करती है और ये संसारी नाला है यहाँ से ये कश्मीर वैली में एंटर करती है. तो ये मैप में आपको आप अपने पॉइंट बना लो और इसको याद रखना है आपको. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम रावी रिवर के बारे में. रावी को मैंने आपको बताया था आपको अभी इसके संस्कृत में और वेदों में क्या नाम है ये आपका होमवर्क रहेगा. प्लीज आप रेफर करें और याद कर लें इसको अच्छे से. सो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बड़ा बंगाल एरिया में निकलती है. बादल और तंतगिरी करके दो ये ग्लेशियर्स हैं. ये बादल और तंतगिरी दो उन दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स का नाम है जो कि तंतगिरी करके एक जगह है वहीं पे ये कॉन्फ्लुएंस होता है इनका और फिर ये रावी नदी का नाम मिल जाता है इसको. ठीक है 720 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और इसमें से 158 किलोमीटर जो है हिमाचल में ये ट्रेवल करती है. ये चंबा को खेड़ी नामक जगह है वहां पे ये चंबा से निकल के जम्मू कश्मीर में एंटर करती है राइट. और इट नो सेपरेट्स पीर पंजाल फ्रॉम दौलाधार एंड मर्जेस विद चिनाब इन पाकिस्तान. सो ये पीर पंजाल और दौलाधार को सेपरेट कर दोनों रेंजेस को जो कि इनर और मिडल हिमालयन रेंजेस हैं इनको सेपरेट करती है और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ये चिनाब नदी से मिल जाती है. अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रेस्टर और नो रुआडिस के नाम से भी मतलब इसको मेंशन किया था. ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको आप याद रख लो कई बार ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. और ये मोस्टली कांगड़ा में ओरिजिन होने के बाद चंबा से ही बहती है और जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है. ठीक है बरमौर माधोपुर और चंबा जो है इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स अराउंड इट्स बैंक्स. बादल जो है इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है जैसे मैंने आपको बताया. बादल और तंतगिरी ये दोनों मतलब इसको तंतगिरी करके जगह है वहां पे ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं और फिर रावी के नाम से जानी जाती है. सियोल ये इसकी एक अन्य ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है जो कि
बैरा नदी, बैरा करके एक और छोटी खड्ड है, वो सियूल में ज्वाइन होती है और फिर ये दोनों इसमें रावी नदी में जुड़ जाती हैं। बैरा के बारे में भी दिया हुआ है। फिर एक चुरचंड नाला है जो कि इसकी एक न बाई तरफ से जुड़ने वाली एक सहायक नदी है। और भी कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, छोटी छोटी खड्डे हैं, जैसे बुदिल हो गया, तंदाहन हो गया, बलजीडी हो गया, साहो हो गया, पर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनके नाम मेंशन किए हुए हैं। तो आप जितनी भी ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं इनके सबके नाम याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना जो है वो इजी रहेगा। राइट, दिस इज हाउ योर रावी रिवर लुक्स लाइक। अगेन ये इसमें पानी का क्वांटम इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो बहाव है इसका बहुत तेज होता है, और बर्फ की मतलब जो ये स्नो फेड रिवर है क्योंकि, इसलिए इसका जो पानी है ठंडा बहुत होता है। तो दिस इज अगेन योर नो कैचमेंट एरिया, ये है आपका बड़ा बंगाल एरिया, यहाँ से ये ओरिजिन होते हुए इसका चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और यहाँ से ये खेड़ी नामक जगह है वहां पे जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ठीक है, तो इसका कैचमेंट एरिया जो है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बह रही है ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है, मतलब क्योंकि ये कई बार मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सो विद दिस आई विल एंड अप हियर। बाकी का रिवर्स जो बच गया है उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट सून।